दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है वेस्टीज की सफलता के 10 कारण मिस्टर गौतम बाली के द्वारा। पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शर्मा इंदौरी, प्रेस बेल आइकन और देखिए हमारे वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद। को सफलता मिली है वो हमारे कारण नहीं है, राइट? आज जो वेस्टीज सफल है वो सफल इसलिए है क्योंकि इतने लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमारी विजन पे। आज से 13 साल पहले शुरू हुई थी, चलेगी कि नहीं चलेगी, 600 रुपए की ज्वाइनिंग थी, उसके अंदर लोग लाखों रुपया कमाएंगे, किसी को विश्वास नहीं था। पर जब कुछ लोगों ने विश्वास किया और हम उनके विश्वास के ऊपर पूरा उतरे, राइट? तो आज हमारा सोच आज के दिन पे भी, आप दीपक हो, मिस्टर कमर हो या हमारी एंटायर टॉप लीडरशिप हो, एम्बेसडर्स हो, हर एक के अंदर संस्कार बिल्कुल अलग है, एक कल्चर बिल्कुल अलग है। आपको कोई भी टॉप लीडर मिलेगा वो आपके डाउनलाइंस को सबको मोटिवेट करेगा कि आप आगे बढ़ो, ये नहीं कि मेरा चेक कितना आएगा। हमारी लीडरशिप के अंदर ये भूख नहीं है कि हमारा चेक कितना आएगा, उनको ये भूख होती है कि हमारे लोग कैसे सफल होंगे। हमारा जो ग्राउंड के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, आज के दिन पे कोई आदमी नया गेस्ट हो, मेरे को फेसबुक पे लोग कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम लोगों के टच में रहते हैं। उससे होता क्या है, जो हमारे अंदर सोच है कि इस दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी मैं नहीं हूं, राइट? पर भगवान ने हमें दो कान दिए हैं। जो लोग इस बिजनेस को दिन रात कर रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक अच्छी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करें और जो करंट है उनको खत्म करें, राइट? सो वी कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद पीपल। जो हमारा 96 से लेके आज आप लगा लीजिए लगभग 22 साल हो गए हैं, ये 22 साल का जो पीरियड रहा है उसके अंदर नेटवर्क में किसी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दिक्कत आती है? शुरुआत क्यों मुश्किल होती है? अगर किट होता है तो उसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, हिसाब लगाने में अगर 200 रुपया किसी को रजिस्ट्रेशन फी वगैरह, ऊपर नीचे जा जाके लोग क्यों थक जाते हैं, वॉल्यूम्स क्यों स्टेबल नहीं रहती, प्रोडक्ट का दाम क्या होना चाहिए ताकि रिपीट परचेज आपको आए, राइट? मार्केटिंग प्लान को हमने इंजीनियर किया, काहे के लिए? दौलत के लिए, आमदनी के लिए नहीं। आमदनी कोई भी मजदूर कमा के अपना पेट भर लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि दौलत मिले। आप इस प्लान को जितना मर्जी समझने की कोशिश करो, आपको हर जगह एक चीज नजर आएगी कि और ज्यादा पैसा, राइट? इसको इंजीनियर इसलिए किया बिकॉज लोगों को जो इसमें वेल्थ चाहिए, दौलत चाहिए। देखिए, खाली पेट ना तो टाई बांधी जाती है ना मीटिंग में बैठ के ताली बजाई जाती है। लॉयल्टी आदमी की सबसे पहले अपने परिवार के साथ होती है और खुद की जिंदगी के साथ होती है। वेस्टीज के अंदर हमने एंटायर सिस्टम को इसी तरह क्रिएट किया कि ताकि आप जैसे ग्रो करें, राइट? आपकी तभी ग्रो कर सके जब आपकी डाउनलाइन ग्रो करें। यानी कि अगर डाउनलाइन कमाएगी तो अपलाइन के पास जरूर आएगा, अगर डाउनलाइन कमाएगी वो स्टेबल रहेगी, उसकी डाउनलाइन कमाएगी तो डेप्थ के ऊपर आप एज अ लीडर सपोर्ट कर सको। दैट इज वॉट वी क्रिएटेड। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है जिसको कहते हैं लीडरशिप, राइट? हमने समय है ना, भी दो मिनट, पांच मिनट का, राइट? आधे घंटे, हमें आधा तो घंटा पर मैं आपको अपनी सोच के साथ जोड़ना चाहूंगा। आज वेस्टीज, अगर हम पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में वेस्टीज का नाम है, अभी तक कोई और कंपनी ग्लोबल 100 में नहीं गई। इंडिया के अंदर वी आर द सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मोस्ट प्रोबेबली जब 2019 में हम क्लोजिंग करेंगे वी विल बी नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट? वी विल बी, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज वही चीज सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इतनी लीडरशिप, वेल एजुकेटेड और सिस्टम किसी और कंपनी के पास आज के दिन पे नहीं है। आज के दिन पे महीने में 1800 से ज्यादा फ्री मीटिंग्स हम दे रहे हैं। उसके अलावा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम जिनको हम वीआईपी कहते हैं, वी गिव राउंड अबाउट 80 ऑफ देम। हर महीने कम से कम 6 वीएलसी यानी कि वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव जो डायरेक्टर एंड अबव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो हम देते हैं। हर महीने 4 अवार्ड फंक्शंस, राइट? मीट द मिलियनेयर प्रोग्राम्स जहां पे आप टॉप लीडरशिप को मिलते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वी डू राउंड अबाउट 20 ऑफ देम, राइट? हेल्थ वर्कशॉप्स, प्रोडक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग्स, वेदर स्किन केयर की, वेदर कलर कॉस्मेटिक्स की, इन नंबरेबल।
इतना ज्यादा नंबर सपोर्ट कोई आज कंपनी नहीं देती। उसके बाद हमने टूल्स जो क्रिएट किए हैं, जो जो एजुकेशन हमने टूल्स क्रिएट किए हैं ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में बता सके, ज्वाइनिंग कदर खुद की है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, यूट्यूब के चैनल पे आप जाओ, वेस्टीज मीडिया के ऊपर आप डाउनलोड करो, किसी को फॉरवर्ड करो। वी हैव गॉट टूल्स इन 19 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, असामी, खासी, गारो, मिजो, नेगमीज, नेपाली, उर्दू एंड अरेबिक। ये काहे के लिए इन्वेस्टमेंट थी, ये काहे के लिए इन्वेस्टमेंट थी कि हमने एक चीज देखी। आई एम इंस्पायर्ड बाय हमारी जो मदरलैंड है, हमारा भारत देश, कि जब भारत आजाद हुआ तब एजुकेशन, शिक्षा बहुत कम थी। कोई आदमी अगर 10th पास कर लेता था तो लोग कहते थे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, दै जमात पास है, हमारे पंजाब में ये कहते थे। कोई आदमी अगर बीए कर लेता था तो वो नाम अपना लिखता था सोहन लाल बीए। अगर किसी ने एमए कर लिया तो उसके नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता गिरधारी लाल बी ए एम ए एल 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 बी। बिकॉज एजुकेशन एक रियलिटी थी, छोटे गांव में स्कूल नहीं होते थे, शहरों में कॉलेज नहीं होते थे, यूनिवर्सिटीज होती नहीं थी, तो पढ़ना बहुत मुश्किल था। आज के दिन पे आप देखो पेप्सिको का वर्ल्ड में हेड कौन? इंडियन। गूगल के हेड कौन? इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर हेड कौन? इंडियंस। नासा के अंदर, आईबीएम के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जितनी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज कह लो या दुनिया की बड़ी कंपनी कह लो, उनके अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन लोग? इंडियंस। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? उसने इलेक्शन किस बात पे जीती कि इंडियंस को मैं यहां पे नौकरी नहीं दूंगा, राइट? सो इंडिया इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना? हिंदुस्तान के साथ तो दो दोष देश और बने थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो दोनों क्यों नहीं उठ सके? क्योंकि हमारे देश ने फोकस किया अपनी जनता को एजुकेट करने के लिए। छोटे छोटे गांव में स्कूल है, मिड डे मील्स है, फ्री एजुकेशन है, लड़कियों को साइकिल फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, बुक्स फ्री मिलती है। हमने इसी सोच के ऊपर 2004 में शुरुआत की थी कि अगर वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स एजुकेटेड होंगे तभी हमें नंबर वन कंपनी इंडिया में बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। एंड दैट थिंग कंटिन्यूज। हम बेस्ट से बेटर प्रोडक्ट्स आपको वेस्टीज में दे रहे हैं अगले साल में, 2018 में, अब तो अगला साल नहीं रहा, अभी भी आई एम लिविंग इन 2017, माय अपोलॉजीज। सो जो हम दे रहे हैं दे आर गोइंग टू बी प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट से अलग दिखाएंगे। हम बाकियों की तरह है ही नहीं क्योंकि हम वेस्टिजियंस हैं, राइट? सो वेदर इट इज प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज ट्रेनिंग्स, हर चीज में एनहांसमेंट, हम दिन रात यही काम कर रहे हैं ताकि आपको बेटर सर्विसेज मिले, आपको अपना काम करना आसान हो। दिन रात हम एक चीज सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की पॉकेट में और ज्यादा पैसे कैसे डाल सके, उनके चेक कैसे बढ़ा सके, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, राइट? सो विजन 2020 से 25 में, 2020 के अंदर, इनफैक्ट अभी जो हमारा विजन है कि हमने 13 साल लगाए 1000 करोड़ होते हुए, राइट? अगले एक साल के अंदर जो आपने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया, अगले एक साल के अंदर हम उसको डबल अप करेंगे, यानी कि 2000 करोड़। हमारा टारगेट इज 2020 तक हम हिंदुस्तान के अलावा 20 देशों में होंगे। अभी वी आर देयर इन नेपाल, यूएई, बहरेन के अंदर हमने ट्रायल ऑफिस खोला हुआ है। बाय दिस ईयर एंड वी शुड बी देयर एटलीस्ट इन 11 कंट्रीज, राइट? 2020 के एंड में हमारा टर्नओवर होना चाहिए 5000 करोड़, जिसमें से कम 3000 करोड़ इंडिया से आएगा। 2025 तक जो हमारा टारगेट है, वी विल बी इन 50 कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मिनिमम। हमारा टर्नओवर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा विजन है, इट शुड बी राउंड अबाउट 20,000 करोड़, यानी कि वी शुड बी अ $4 billion कंपनी। क्योंकि अगर हम $4 billion कंपनी होंगे देन वी विल बी अमंगस्ट द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर आज के दिन पे 1000 करोड़ के अंदर, मेरा ख्याल से आपने देखा है 4 गाड़ियां तो भाग गई हैं, राइट? वी हैव गॉट मोर देन 100+ लग्जरी कार अचीवर्स, 3500 से ज्यादा लोग कार अचीवर्स हैं, टॉप अर्नर जो है हर महीने में लेके जा रहे हैं लगभग 57 लाख रुपीज पर मंथ, राइट? 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले दे आर अराउंड अबाउट 35-40 पीपल, राइट? लाख रुपया कमाने वाले इज मोर देन 3000 लोग।
हर महीने लगभग 9 लाख लोगों को वेस्टीज से इनकम जाती है। जब टर्नओवर 5,000 करोड़ होगा तो आप में से कितने लोगों का चेक करोड़ रुपया होगा, खुद सोच लो। जब 20,000 करोड़ होगा, जस्ट लुक एट द विजन। ये समय मेरे पास 2004 में था, जब लोग आके मुझसे पूछते थे कि मिस्टर बाली, कईयों ने तो ये भी पूछा कि कंपनी बंद करके कब भागोगे, राइट? क्योंकि एक्सपीरियंस उनका बैड था। सो दे यूज्ड टू कम एंड आस्क मी कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है। मैं उनको यही कहता था कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होती है, लोग बोले वेस्टीज। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज। चॉइस कोई ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब फाउंडर्स के करके नहीं बनती, कंपनीज बनती है लीडर्स से, यानी कि आप लोगों से। तो हर में आदमी यही कहे कि वेस्टीज के लीडर्स के जैसे लीडर्स जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी वर्क्ड, हमेशा एक विजन के ऊपर काम करते हैं, और अभी तक तो हम सारे के सारे विजन हमने पूरे किए, क्योंकि जिद्दी बहुत है, जो ठान लिया वो तो पूरा करेंगे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन 20 देश, अगर हर देश के अंदर आपका एक नेटवर्क भी चल रहा हो, राइट, तो महीने में आपका कितने लाख रुपए का चेक होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर 2 नेटवर्क, सिर्फ 2 लाइंस हर कंट्री में, ट्राई टू इमेजिन द काइंड ऑफ वेल्थ। जब 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा ग्लोबली, आई डोंट नो आप में से कितने लोग होंगे जिनके पास अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट होंगे, इट्स अ फैक्ट। हमारे टॉप ऑर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह लगभग 9 साल मेरे पास आए पहले, और आके मेरे को गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा। क्यों गुरुजी कहते थे, बिकॉज जिस कंपनी वो पहले काम करते थे तब वो 21 साल की उम्र में उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि उनकी मदर की जो होम मीटिंग थी वो मैंने की थी, और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने नेटवर्क ज्वाइन कर लिया था और नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर माना था। 10 साल काम करने के बाद जब इनकम स्टेबिलिटी नहीं, कंपनी की पॉलिसीज चेंज होगी, मार्केटिंग प्लान चेंज कर दो, कुछ कर दो, ये कर दो, खिलवाड़ होते रहे, तो ही सेड जी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा। मेरे को एक चीज पक्का विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कंपनियां अमीर होती है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैंने अपना 10 साल एजुकेशन सिस्टम चलाया है, सो आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर एंड डेफिनेटली ही इज अ गुड ट्रेनर, राइट? बट ही सेड सफलता मेरे को मिली नहीं, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना चाहता हूं, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, मुझे ट्रेनर रख लो, राइट? तो मैंने उसे 2 चीजें कही। मैंने कहा सिद्धार्थ, पहली चीज, आप अपनी वैल्यू खुद को नहीं जानते कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो आपको कोई जौहरी चाहिए जो आपको परख सके कि हीरे में क्या है। ऐसा दूसरी चीज, शेर को पिंजरे में नहीं डाला जाता। ऐसा 10 साल आपने अपना तरीका, अपना सिस्टम फॉलो किया है, 6 महीने अगर वेस्टीज का सिस्टम फॉलो कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। 10 साल में उसका सिर्फ एक बार ही चेक आया था, 1,27,000 रुपया, और वेस्टीज में 6 महीने का चेक था 3 लाख रुपया, जब उसके साथ कोई टीम नहीं आई थी। जब उसके साथ कोई टीम नहीं आई थी, आज के दिन पे अगर मैं उससे पूछता हूं कि भाई साहब नौकरी करनी है, तो कहता नहीं करनी। मैं सिद्धार्थ का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि जो लोग हार गए, राइट, उनको अगर किसी ने एक उम्मीद की किरण दिखा दी तो उन्होंने खड़े होकर इतिहास रच दिया। यहां पे तो इस कमरे में आज के दिन वो सारे लोग बैठे हैं जो खुद आग से भरे हुए हैं। आप अपनी लाइफ क्या चेंज करेंगे, लाखों लोगों की जो लाइफ आप चेंज करेंगे उसके बारे में सोचिए, और उसके करके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, right? So I would like to thank all of you. And जो जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, मैं उन सबसे एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम जेलस ऑफ यू, राइट? मैं भी जाना चाहता हूँ जिम कॉर्बेट, बट आई एम सॉरी टाइम नहीं है तभी जा नहीं सक रहा। सो हैव फन एंड लव योर वर्क विद वेस्टीज एंड गॉड ब्लेस यू, ताकि आप बहुत तरक्की।